श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की गतिविधियां होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन नहीं है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे ही व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं कर करता उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह के नज़र से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति को खुशी न तो इस लोक में है और न ही कहीं और, इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें अगर आप सोशल साइट्स पर शेयर करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव मिल जाते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा के मायने से जानता हो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने की इच्छा बिल्कुल भी ना करता हो तो वह आपके लिए सही व्यक्ति माना जाता है। इतना कहते हैं, यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो उसमें आपकी पूरी गलती होती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। हर शख्स, श्री कृष्ण कहते हैं, हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लेने की ज़रूरत होती है। वही कई बार व्यक्ति अपने काफ़ी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, ऐसे में उसे चारों तरफ नकारात्मक ही दिखाई देने लगती है और वह आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देता है, साथ ही सफल होने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। ऐसे में इस तरह के सुविचार व्यक्ति के जीवन में एक नई आशा जगाने का काम करते हैं और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वही महान व्यक्ति द्वारा कहे गए इस तरह के प्रेरणात्मक और सर्वश्रेष्ठ सुविचारों से व्यक्ति को अपने जीवन में मुश्किल वक्त से सामना करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है। इसलिए आप भी इस तरह के सुविचारों को जरूर पढ़ें और सुनें। यदि आप किसी और को कोशिश करते हो तो कुछ भी हासिल नहीं होता है,
उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप ज़रा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो उसमें आपकी गलती होती है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और सफलता हासिल करना चाहता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर दृढ़ संकल्प के साथ परिश्रम और मेहनत करते रहते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो सफलता को पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते या फिर रिस्क लेने से घबराते हैं। ऐसे लोगों को महान व्यक्ति द्वारा कहे गए इस तरह के सुविचारों से सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपने दीप स्वयं से जलती है। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को ऐसे ही और रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। राधे राधे।